गाइस नमस्ते, कैम छो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडीपी ब्लॉग्स। तो आज मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मैं थोड़े दिन पहले जब यहाँ पे आया हुआ था, मैं और मेरा मैनेजर किसी काम से हम यहाँ पे आए हुए थे, तभी मैंने देखा कि यहाँ पे वो जो यूट्यूबर है फ्लाइंग बिस्ट तनेजा भाई, वो यहाँ पे आए हुए थे। तो मैं उनको मिला तो काफ़ी अच्छा लगा। तो वो यहाँ से ही, आप जो देख सकते हो मेरे पीछे जो सी प्लेन है, तो यहाँ से ये केवड़िया कॉलोनी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वहाँ पे यहाँ से जा सकते हो आप। तो उसी लिए वो लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन उस दिन कुछ फॉग वगैरह था तो सी प्लेन से वो लोग नहीं जा पाए थे, तो वो बाद में फिर यहीं से कार वगैरह में चले गए थे। तो उस टाइम पे तो उनके जो मतलब टूर ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने मना किया था कि आप यहाँ पे सेल्फी लेते हो लेकिन आप पोस्ट मत कीजिएगा। से तो 5 मिनट का ही ऐसा टाइम मिला था, उतना थोड़ा बहुत बात हुआ था, उतना ज़्यादा भी बात नहीं हुआ था, लेकिन उस दिन तो मैं उतना मतलब इतना एक्साइटेड हो गया था कि आप पूछिए ही मत। और जैसे ही मैं मिला तो तुरंत ही मैंने मेरी वाइफ को, मेरी फैमिली को और मेरे सभी दोस्तों को फ़ोन करके भी बताया था कि अरे भाई आज मैं इनको मिला। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो वगैरह करते हो, अगर उनको मिलते हो तो बहुत ही मज़ा आता है। क्यों, सही बोला ना? यहाँ पे मैडम भी हमारे साथ आई हुई है। हेलो, सही बोला ना? एकदम सही। तो हम दोनों फैमिली व्लॉगर है तनेजा, आप देख सकते हो फ्लाइंग बिस्ट करके उनका चैनल है और साथ में वो फिट मसल्स का भी चैनल चलाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा और उनके साथ मैंने सेल्फी वगैरह भी खिंचवाई थी। वो उनकी प्यारी सी बच्ची भी है, राजबरी नाम है उनका, तो वो भी काफ़ी अच्छी है। उनको तो वैसे मैं उतना नज़दीक से नहीं मिल पाया था क्योंकि वाइफ और वो राजबरी वो दोनों कार में बैठे हुए थे। तो उस दिन मैंने आपको फ़ोन करके क्या बताया था? फुल सरप्राइज भी थे और शॉक भी थे, पूरा दिन दोनों फीलिंग मिक्स आ रही थी, शॉकिंग वाली और सरप्राइज वाली। तो यहीं से एंट्री है, अगर आपको सी प्लेन में यहीं से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना है तो आप यहीं से आ सकते हो, और यहां से आपको प्लेन वगैरह में बैठ के आप वहां जा सकते हो। तो मैं ट्राई करता हूं कि आपको प्लेन का क्लोज व्यू दूं, तो यहां से कुछ पीछे जाने का है। तो चलो मैडम, चलिए वहीं चल के अभी देखते हैं। तो ऐसा मोदी जी ऐसे बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, वैसा पूरे इंडिया में सबसे पहला सी प्लेन है और ये अहमदाबाद में है, तो काफ़ी प्राउड मोमेंट भी लगता है। सही बात है ना? आप कुछ कहना चाहेंगे? आई थिंक रिवर फ्रंट भी सिर्फ इंडिया में यहाँ पे ही है, सी प्लेन भी यहाँ है और शायद क्रूज भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, तो अभी हम आगे जाएंगे और क्रूज वगैरह होगा तो उसका भी आपको दिखाएंगे। आप वहाँ पे देख सकते हो कि सी प्लेन वहाँ पे खड़ा है, तो मेरे पीछे यहाँ पे सी प्लेन है, आप देख सकते हो। तो काफ़ी छोटा सा प्लेन है, कुछ 15 लोग आप सी प्लेन में बैठ सकते हो और 4 क्रू मेंबर है, तो टोटल कुछ 19-20 लोग आप उसमें बैठ सकते हो। तो ये जो सी प्लेन है वो इंडिया ने मालदीव से रेंट वगैरह पे लिया हुआ है, तो स्पाइस जेट है ऑपरेशन है, वो स्पाइस जेट चलाती है, तो काफ़ी अच्छा है। और यहीं अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो दिन में 2 बार यहीं से आपको फ्लाइट वगैरह चलती है, यहीं से लेके रिवर, यहीं से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। तो एक सुबह में 10:30-11 बजे के आसपास है और एक दोपहर में 1 या 2 बजे के बीच में है, तो आप ऑनलाइन वगैरह देख सकते हो। अगर मैं टिकट्स वगैरह की बात करूं तो जो मॉर्निंग वाली फ़्लाइट है उसमें जो पहले 5 लोग हो गए उनके लिए 1700 प्लस टैक्सीस का उन्होंने कुछ रखा हुआ है, और साथ में अगर आप 5 लोगों के बाद आते हो तो आपको 2700 रुपया प्लस टैक्स का कुछ रखा हुआ है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस है। यहीं अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी 200 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप ऐसे ही कार या कुछ वैसे जाते हो तो आपको 2 से 3 घंटे लग सकते हैं,
अगर आप फ्लाइट में जाते हो इसमें सी प्लेन में, तो आपको आधे घंटे में वो पहुंचा देगा, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, सफ़र सुहाना रहेगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बहुत ही नई नई जगह वहाँ देखने लायक अभी शुरू कर दी है, तो अगर हो सकेगा तो मैं भी वहाँ जाने का ट्राई करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि बहुत ही मज़ा आ रहा है। अगर मैं दोबारा फ़्लाइट की टिकट की अगर मैं बात करूँ तो 1700 रुपये मॉर्निंग फ़्लाइट है, पहले 5 लोग हो गए उनके लिए, और बाद में जो लोग हो गए उनके लिए 2700 रुपये प्लस टैक्स, और जो दोपहर वाली फ़्लाइट है उसमें आपको 2700 रुपये ही होगा, उसमें आपको कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर आप यहीं से जाना चाहते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो आप आ सकते हो यहाँ पर और यहीं से जा सकते हो। तो यहाँ से एंट्री होता है तो आप यहीं से अंदर जा सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्पाइस जेट का कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी है जिससे टिकट वगैरह बुकिंग कर सकते हो, तो मैं लिंक में भी आपको दे दूँगा। तो राजबरी के थोड़े ग्लिम्प्स भी मैंने लिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी खुशनुमा दिन मेरा गया है। क्या मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी एक्साइटमेंट में पूरा दिन गया। हाँ, काफ़ी एक्साइटमेंट में पूरा दिन गया मेरा वो, और उस दिन तो मैंने कुछ काम वाम किया ही नहीं, बस ऐसे ही सोचता रहा। और सर की बॉडी वगैरह देख के तो ऐसा लगा कि हमको भी अभी बॉडी पे वर्कआउट करना चाहिए। तो कैसा लगा आज का हमारे वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी बच जाएगा दोस्तों। प्लीज़ आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्या कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।